तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास ये Realme 3 Pro है, तो इस फोन में जो है पैटर्न लॉक मांग रहा है, तो इस पैटर्न को आप किस तरह से तोड़ सकते हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों ये फ़ोन जो है ऑनलाइन होता है दोस्तों, अगर आपके पास पैटर्न लॉक या फिर पासवर्ड लॉक लेके कोई फ़ोन आता है तो इसको आप हार्ड डिस्क इसको रीसेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये फ़ोन जो है अगर आपके पास UEFI बॉक्स है तो उसकी मदद से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन जो है लॉक हो चुका है, तो बहुत बार पैटर्न को ट्राई करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम वगैरह शो कर रहा है। तो इमरजेंसी कॉल में जाना है, यहाँ पे आपको एक कोड डायल करना है *#899#, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन में जाके इसका मॉडल वगैरह एंड्रॉयड वर्जन वगैरह चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फ़ोन को लॉक तोड़ने से पहले सबसे पहले आपको कस्टमर से पूछ लेना है इसका वारंटी वगैरह है कि नहीं है। वारंटी है तो उसको आपको जो है केयर में भेज देना है, ठीक है। तो आप इसको रियलमी केयर में ले जाने के लिए बोल दीजिए। अदरवाइज़ इस फ़ोन को अगर आप ऑनलाइन भी कराना चाहते हैं तो उससे सबसे पहले एक प्रूफ मांग लीजिए, कोई सा भी प्रूफ, आधार कार्ड मांग लीजिए। उस अगर आपको उस आदमी के बारे में पता है, उसके फ़ोन में जो है इमेज सेव वगैरह है, तो उसको आप जो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट नहीं भी लेके दे सकते, उसका फ़ोन ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके पास UEFI बॉक्स है तो उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन आप कस्टमर से सबसे पहले पूछ लेंगे कि फ़ोन को खोलना पड़ेगा भाई, तो ठीक है, तो आप कस्टमर से पूछ लेंगे, उसके बाद ही इस फ़ोन को आप अनलॉक करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था छोटा सा एक वीडियो, तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है किस तरह से जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर इमेज वगैरह सेव है, ठीक है।